एक बार की बात है, एक रमेश नाम का व्यक्ति जिसके पास 3-4 घोड़े होते हैं, वह बहुत उनसे ही प्यार करता है और उन्हीं के साथ अपना पूरा समय बिताता है। एक बार की बात है जब एक राजा ने कहा कि तुम्हारे ऊपर कर्जा बहुत हो गया है और तुम्हें यह घोड़े मुझको देने पड़ेंगे। लेकिन उस रमेश की बेटी को वह घोड़े बहुत ही पसंद थे और रमेश उन घोड़ों को अपने राजा को नहीं देना चाहता था। वह बहुत दुखी होता है और कर्जे के चक्कर में चलते ही वह उन घोड़ों को राजा को दे आता है और कहता है, राजा जी इन घोड़ों को हिफाजत से रखिएगा क्योंकि मेरी बेटी इन घोड़ों से बहुत प्यार करती है और मैं कर्जा चुकाते ही इन घोड़ों को वापस लेके आऊँगा और आप इनकी देखभाल किसी व्यक्ति से कराइएगा जो इन व्यक्ति इनको अच्छे से देख रेख कर सके, क्योंकि मेरी जान से भी प्यारे ये घोड़े हैं और उनसे प्यारी मेरी बेटी है। मेरी बेटी का दिल दुखेगा, मुझे यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। मैं जी नहीं पाऊँगा अगर मेरी बेटी को कोई दिक्कत हुई। उसकी बेटी बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत ही दिन भर तितलियों के साथ खेलती बिल्लियों के साथ खेलती और सपना देखती रहती कि मेरे पिता मेरे हरे सपने को पूरे करेंगे। तब तक वहाँ रमेश और अपनी पत्नी के साथ जाकर एक गधा ले आता है, कैसे भी करके शहर जाता है और उसकी बहुत ही तबीयत ख़राब होती है। लेकिन वह अपनी बेटी के प्यार के कारण वह शहर जाता है और वहाँ से कुछ इंतजाम करके एक गधे की व्यवस्था करता है और वह उस गधे से ही सारा काम किया करता था। फिर शहर जाकर एक उसे व्यक्ति मिलता है जो बहुत ही समझदार होता है। एक बार तूफान आता है, उसका सारे घर का सामान इधर का उधर चला जाता है और वह बहुत ही दुखी होता है। एक माता प्रकट होती हैं, लक्ष्मी माँ, जो उसकी पत्नी से कहती हैं, तुम्हारा पति बहुत ही कष्ट में है और दुखी है, तुम उसे कोई भी बात मत बताना, अपनी बेटी पे कहो वो कंट्रोल रखे अपने आप को। और वह लेकिन उसकी बेटी जो होती है वह दिन भर खेलती रहती है जोकरों के साथ, सपने देखती रहती है कि मेरे पिताजी मेरे लिए ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, मैं तो एक राजकुमारी हूँ और राजकुमारी वाले ख्वाब देखा करती थी। तब तक यह पूरे गांव में यह बात फैल जाती है कि रमेश के घोड़े राजा ने ले लिए हैं, कर्जा उस पर इतना हो गया है कि जितने सिर में उसके बाल नहीं हैं उससे ज़्यादा उसके कर्जा हो गया है। एक व्यक्ति के पास जमींदार के पास जाता है और कहता है, राजा ने मेरे सारे घोड़े ले लिए हैं, अगर आप कुछ दिन के लिए चाहें तो ये अपनी गाय मुझे दे दीजिए जिससे मेरे घर का पालन पोषण हो सके और मैं बाद में आपकी यह गाय वापस कर दूँगा, कैसे भी करके आपका मैं पूरा गाय वापस कर दूंगा। एक मुखिया आता है और वह बड़ी ही दुष्ट व्यक्ति वो होती है, गांव में यह बात दुष्ट व्यक्ति होता है, वो बहुत ही तेज होता है, उसका नाम ठाकुर होता है। वह कहता है, मैं इस रमेश को इस घर में ठहरने नहीं दूंगा, इतना कर्जा होते हुए सारी ज़मीन इसने बेच दी, सब कुछ कर दिया, लेकिन इसकी बेटी के सपने ही नहीं पूरे होते हैं। इस बेटी को सपने, या तो इसको बेटी को रहने दूंगा या तो इसको रहने दूंगा, अब यह इस गाँव में नहीं रह सकता, इसकी वजह से पूरे गाँव में इतने सब कष्ट में मैं हैं और इसी के बारे में सोचते रहते हैं। तब तक वहाँ पे एक हलवाई के पास जाता है और कहता है, भैया मेरे पास कर्जा बहुत हो गया है, मैं अपना जीवन कैसे व्यतीत करूं। उसका एक बेटा भी होता है, अपने बेटे से कहता है, बेटा मैं तेरे बहन के ख्वाब तो पूरे नहीं कर सका, अब तुझे ही कुछ करना पड़ेगा, तू कुछ ऐसा काम कर जिससे तेरी बहन के सारे ख्वाब पूरे हो जाएं और मेरी भी जिम्मेदारी थोड़ी पूरी हो जाए, मैं बहुत अब बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरी उम्र हो चुकी है, कर्जा निपटाते मेरे पास कुछ नहीं बचा है, अब मैं घोड़े कैसे वापस लाऊँगा, मैं राजकुमार के पास जाने की हैसियत भी नहीं है, जो मैं उसके पास जाऊँ अपने घोड़े पास लेकर आओ। उसका बेटा कहता है, पिताजी आप चिंता ना करें, आप शांति से बैठिए और मैं आपकी मदद करूंगा और अपनी बहन के सारे ख्वाब पूरे करूंगा, चाहे कुछ भी करना पड़े मैं आपके सारे ख्वाब पूरे करूंगा, मैं इस कदर मेहनत करूंगा जिससे आपको कभी कोई चीज़ का सामना नहीं करना पड़ेगा। उसका बेटा, उसकी माँ उसके सर पीठ पे हाथ रखे उसका पीठ सहलाती है और कहती, वाह बेटे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बाय।